सी प्लस सी, ये बड़ा प्यारा फॉर्मूला है मन का। जब तुम कोई काम शुरू करते हो, जैसे मान लो साइकिल चलाना तुमने सीखना शुरू किया, तो जब तक तुम कोई चीज सीखते हो तो तुम्हारा चित वहीं पे रहता है। ये चित है, पहले सी का मतलब है चित, ये बड़ा डेंजरस फॉर्मूला है। और जहाँ चित है वहीं चैतन्य है, इसलिए किसी काम की अगर क्वालिटी बढ़ानी है तो तुम बस ये दिमाग देखो कि उसमें चित लग रहा है कि नहीं। जैसे पहले लोग जब कोई काम देते थे घर भर में तो कहते थे चित लगा के करो, जहाँ चित है वहाँ चैतन्य है, इन दोनों का इतना प्यारा संबंध है। तो जब तुमने साइकिलिंग शुरू की तो चित तुम्हारा साइकिलिंग में है, क्योंकि खतरा है ना, गिर जाओगे, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा। तो जहाँ भी खतरा होता है, जैसे मान लो कुएं के ऊपर एक पतली सी लकड़ी रखी है, उस पे चलना है, तो देखो तुम्हारा चित वहीं पे रहेगा। तुम्हारी दिक्कत क्या है ना, तुम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते हो। गांधी जी ने कितनी अच्छी टाइटल लिखी, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तुम प्रयोग करते ही नहीं, तुम किसी दिन रात में चले आओ कब्रिस्तान में और अपने मन से कहो कि बेटा उलझ, और उलझ जाए तो मुझे बताना, अगर उलझ जाए तो मुझे बताना, उलझेगा ही नहीं, खतरा है ना। जहाँ खतरा है वहाँ चित तुम्हारे साथ, ये चीज है कि तुम्हें देखना है कि तुम्हारा चित जो है वो तुम्हारा लग रहा है अपने काम में कि नहीं लग रहा। अगर लग रहा है तो उसमें तुम्हें बड़े अच्छे रिजल्ट देगा, नहीं लग रहा है काम होता रहेगा, रिजल्ट नहीं आएगा।